अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। हमें आज एंटोफिल में एनएस गोट फार्म एंटोफिल। दोस्तों लास्ट टाइम भी आपने इनका वीडियो देखा था, ये टाइम भी एक बहुत ही अच्छा आपको घर का ब्रीडिंग सेटअप दिखा रहे हैं, एक एक करके बकरियां, बच्चे और बड़े ब्रीडर, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। आइए भाई से बात करते हैं और आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई, लास्ट टाइम भी वीडियो बनाए थे हमने, जब से आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना या सेटअप अपना? हां, कंटिन्यू चालू है सर। और आपका न्यू सेटअप अब ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह पे? हां सर, है ना। तो वो हिसाब से ये वाला सेटअप खत्म करेंगे छोटा वाला, और अभी एक माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप आने वाला है। हां ठीक है, तो आज का जो सेटअप होगा इसमें क्या क्या देखेंगे लोग आज? इसमें आसिम भाई 9 बकरी है, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे भी बकरी है, ओके, एक बोर है और एक हैदराबादी ब्रीडर है मेरा। अच्छा, और जो 9 बकरियां हैं उसके अंदर 2 टॉप क्लास की हैदराबादी बकरियां हैं? हाँ, एक हैदराबादी है। अच्छा, और बाकी सब तोतापुरी, सोजत, सब घर की नस्ल है तो आपकी? हाँ। है ना, एक बोर ब्रीडर है और एक हैदराबादी ब्रीडर, जो बहुत बड़े मतलब ब्रीड का है। है ना, दो दांत पे हो। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बकरियों से। दोस्तों ये पूरा लॉट है ना साथ में देना है, ठीक है। इसकी वजह ये कि ये शिफ्ट कर रहे हैं नई जगह पे, तो वहाँ पर ये न्यू तरीके से काम स्टार्ट करेंगे। बकरी की लेंथ देखो आप, ये मतलब माशाल्लाह दूध काफ़ी अच्छा होगा भाई इसका। तो बच्चा है इसके नीचे ना? बच्चा था, सिंबल सेल आउट कर दिया। सेल आउट कर दिया, वाला बोला मेरे पास सहूलत है दूध पिलाने की। बकरी का फ्रेम देखो आप, चेहरा देखो, कान देखो, ये तोतापुरियों में से क्रॉस होके कलर छूट गया इसका, बहुत अच्छे माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट बकरी दिखा दो भाई आप। दोस्तों एक एक करके सारी बकरी दिखाएंगे आपको, 9 की 9 बकरी, और फिर ब्रीडर दिखाएंगे हम। ये बकरी कब से आपके पास? ये होगा साल भर के करीब। साल भर हो गया, इसने भी एक आध बच्चा दिया आपके? हाँ, बच्चा दिया है। बच्चा इस चालू बकरी नहीं है, बच्चा सेल आउट हो गया। सही, माशाल्लाह। ये भी सोजत में? ये कहाँ से लाए थे आप भाई? ये मैं नासिक से लिया था। नासिक से मंगाए थे, अच्छी बात। वीडियो में दिखाए थे जी, लास्ट टाइम भी थी ना ये? हाँ, लास्ट टाइम भी थी। 2 बकरी हो गए है ना। हाँ। तो अभी तीसरी बकरी खुद ही आ रही है यहाँ पर। ये सोजत में, ये भी सोजत में माशाल्लाह। 4 दांत पे, 4 दांत का राउंड फेस में दोस्तों। तो एक एक करके सारी 9 बकरियाँ पहले आपको दिखा देते हैं हम लोग। छोड़ दो भाई, बच्चा है इसका, बच्चा ना, ठीक है। देखिए आप, फुल फिट एंड फाइन बकरी है। ये आपके घर पैदा हुई थी कि लाए थे? नहीं नहीं, ये भी नासिक से लिया। नासिक से लिया है। बच्चा दिए इसने? इसका भी एक बच्चा है। एक बच्चा है, ये मतलब अभी यंग ही है ना, 2 दांत पे हो गए। 4 दांत पे सब है। सही, सब चालू बकरी है और फुल फिट बकरी है। देखें आप, ये बाहर छोड़ते हो कि नहीं इनको भाई? आप छोड़ते बाहर? हाँ छोड़ता हूँ, इसके लिए मज़ा आ रहा है इनको यहाँ। 2 टन दिन में छोड़ता हूँ इनको, ये अपने समय पुरानी बकरी, सबसे पहली बकरी। बच्चे दे रही है ना? हाँ बच्चे दे रही। ये सब हैदराबादी से गाबन है? अभी लगभग सब हैदराबादी से गाबन है जो अपना है, ठीक है, ओके। और कौन सी बकरी? ये एक बाकी है, जैद पकड़ो इसको, ब्राउन। हाँ, वाइट आँख में भाई है, हैदराबादी क्रॉस, हैदराबादी क्रॉस आ गई है। बच्चे दिए इसने आपके? हाँ, इसका भी बच्चा है। तो सबको एक तरफ ले लेता हूँ अभी मैं। हाँ। ये भी एक मुंडी है। हाँ, ये 2। तो टोटल भाई अभी हम लोग ने यहाँ पर 2, 3, 4, 6, 7 बकरी यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है, जिसमें कि ये 2 खड़ी है यहाँ पर, 3 बकरियाँ ये फ्रेम में और 2 बकरियाँ यहाँ पर है। टोटल हमने यहाँ पर 7 बकरी देख लिया अभी। तो भाई ये टोटल 7 बकरी यहाँ पर हो गई। बोर से भी किसी को क्रॉस कराया कि नहीं? बोर से वही अपनी वो हैदराबादी क्रॉस है ना, उसको कराया। अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। सही है। तो टोटल ये हो गए अभी आपके पास में 7 बकरी हो गई। बच्चे दिखा देते हैं फिर दूसरे वाले उस पर जाएंगे। देखो बच्चे जो हैं, तीनों बकरी हैं, एक ये रही, एक अभी आई, ये सब अराउंड 3 महीने 4 महीने की है। तो अब 7 और 3 10 जानवर टोटल हो गए भाई यहाँ पर। तो छोटे बच्चों के लिए अलग से आपने एक केज बनाया, सिर्फ दूध पीने के लिए बाहर निकालते हैं।
और ये बकरियों का फीडर है यहाँ पर, ये बच्चों के लिए यहाँ पर है, यहाँ भी फीडर है, कम जगह में अच्छा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, अब वहाँ चल के वहाँ की दो बकरियाँ दिखा देंगे इंशाल्लाह, बोर्ड लास्ट में दिखाते हैं। आइए, तो भाई 7 बकरी और 3 बच्चे वहाँ दिखाए थे हमने, ठीक है टोटल 10 हो गए थे। अब यहाँ पर 2 बकरियाँ पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या डिटेल पे भाई, हैदराबादी बकरी सिम्बा है, 16-7 कान है इसके जी, और अभी ये इससे गाबात हुई अपने फीडर से, 16 और 7 कान। ये बकरी कहाँ से मंगाए थे आपने? ये बकरी मैंने मोहम्मद बुलेट से लिया, मोहम्मद बुलेट हैदराबाद। बोलो, मोहम्मद बुलेट का नाम आया, बुलेट की आवाज़ भी आ रही है। मोहम्मद बुलेट के यहाँ से लिए थे 17 और 7, बच्चा दिया आने के बाद। बच्चा सेल आउट कर दिया। ठीक है, अब फिर ये गाबन है, ये गाबन है। और ये आपके हैदराबादी से गाबन है। तो ये जो बकरे से गाबन है वो कौन सी लाइन का? जानशीन का बेटा है अपने पास, उससे गाबन है, जिससे बकरा लिया था उसने बकरी जानशीन से गाबन कराया। सही है, तो जानशीन के मतलब डायरेक्ट, ये डायरेक्ट 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 बेटा है, डायरेक्ट बेटा। वाह, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। यासीन भाई अदद में 17 इंच कान था उसका, 17.5। हाँ, वो है आपके पास, अभी 2 दांत किया है। वो भी यही लॉट में आएगा बकरा? हाँ, यही लॉट में। क्या बात है, तो अब ये फिर गाबन है ना? हाँ। तो इसको डाल दो भाई अंदर, तो भागेगी यहाँ, फिर दूसरी बकरी दिखाता हूँ आपको मैं। ये कौन सी मेवाती नस्ल में? ये भी अपने जानशीन के ब्रीडर से ही गाबन है। सही है, राउंड फेस, लगभग फुल टाइम गाबन है, हफ्ता 10 दिन में बच्चा डाल दे, तो मतलब रिजल्ट का इंतज़ार है अपने को। क्या बात है, ये जो बकरे से गाबन है दोस्तों वो जानशीन का डायरेक्ट बेटा है। और वो अभी जो बकरा है जो दिखाएंगे हम, कान कितने उसके? उसका 19.5 19.5 और 2 दांत पे हो? 2 दांत पे है ना, अभी तो इंशाल्लाह बहुत बढ़ाएगा। सही है, तो ये मतलब बहुत कम टाइम में बच्चा है, अगर ये जब तक बिकी तो ठीक है, तो फिर बच्चों के साथ ही ले सकते हो। ठीक है, इसको भी डाल दो भाई। तो दोस्तों ये भाई क्या ही हुआ था ना, लास्ट वीडियो में 3 दिन का था, 4 दिन का बच्चा था, अभी लगभग 9-10 महीने का है। दांत किया नहीं किया? नहीं, दांत दिया सिंह भाई, एकदम बारीक दांत है। वाह, और एकदम गुलाबी है सिंह भाई, ये भी वही लॉट में आने वाला है, ब्रीडिंग के लायक का है। सही, बफ वाला है माशाल्लाह, गुलाबी है, फुल गुलाबी, वाइट है, क्या बात माशाल्लाह। चलिए इसको भी डाल देते हैं अंदर, इसका भी कुछ नाम रखे हैं भाई आपने? नवाब नाम है, नवाब, जानशीन का डायरेक्ट बेटा। ये कुछ दिन से मतलब बीमार भी चल रहा था ना भाई, पर अभी ये रिकवरी स्टेज पे अपने, रिकवरी बहुत अच्छी है। तो ये अभी ब्रीडिंग कर रहा है अभी भी फिलहाल के? हाँ, ब्रीडिंग कर रहा है, मतलब ब्रीडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, बस ये थोड़ा सा बीमार हो गया था एंड अभी ये रिकवरी स्टेज पे। वेट भी बहुत लूज़ किया ना भाई इसने? हाँ, बहुत लूज़ किया। इसके कान देखो आप, 17 और 19.5 सुने आप, 19.5 दो दांत पे, ठीक है, दांत देख लो आप, 2 ही दांत पे भी। इसके वो साइड का भी कान एक बार दिखाते हैं हम लोग, इसका ये कान कुछ वजह से थोड़ा कट गया। हाँ, है ना, ट्रीटमेंट के चलते, ट्रीटमेंट में इसको आई थिंक आई भी दे रहे थे आप लोग यहाँ से, ठीक है, पर बाकी सब हेल्दी है ना जी? बाकी सब ठीक है, ये भी यही लॉट में आएगा। देखिए आप, चलने फिरने में एकदम सही है, जानशीन का डायरेक्ट बेटा है। ठीक है, आपने इसको परचेस किया था कि इसकी माँ आई थी? नहीं, इसको परचेस किया था डायरेक्ट हैदराबाद से। ये किससे लिए थे आपने? ये मैं उमर भाई करके थे हैदराबाद। अच्छा, उमर भाई से लिए थे आपने, ठीक है, जो आई थिंक बार्कस पे रहते हैं शायद, उनसे लिए हुए। ठीक है, तो अभी एक लास्ट बोर है भाई, वो दिखा देते हैं। आइए दोस्तों, ये लास्ट में आपको दिखा रहे हैं हम लोग बोर। तो ये बोर कब लाए थे आप भाई? ये भी हो गया 6 महीना हो गया, इससे भी 1-2 बकरी पे ब्रीड लिए हुए। हाँ, लिया। सही, तो टोटल भाई हमने ना 9 बकरी 9 बकरी 3 बच्चे 3 बच्चे और एक हैदराबादी ब्रीडर, एक बोर और एक आपके घर का जो बच्चा है, बच्चा है वो, तो टोटल कितने जानवर हो गए अपने पास? 9, 3 बच्चे 12, 14, 15 बकरे। तो ये 15 बकरे आप एक साथ देना चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड अगर कोई पूरा नहीं मिलता ग्राहक आपको, तो फिर सिंगल डबल स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। मैं बता दूं, जो भी कीमत में बेचेंगे आप, क्या कीमत में उसे बेचना चाहते हैं?
या सिम्बा अपने को लगभग 3 लाख में देना है। अच्छा, अगर कोई एक साथ लेगा तो उसमें अपन नेगोशिएबल कर देंगे, नेगोशिएबल कर देंगे, बैठ के फाइनल कर लेंगे। सही है। और उसके अंदर आपके जो अंदर का बकरी का पिंजरा है, पिंजरा है वो सब भी देना है, ये वाला पिंजरा है बोर का, और एक 4 पिंजरे हैं, 4 पिंजरे देंगे, वही अमाउंट में जो सेट होगा। हाँ, लगभग बात करके डन कर लेंगे, बात करके डन कर। ठीक है, एक बार है ना आप अपना नंबर दे दीजिए भाई, 9004887986। किसी को देखने आना तो कहाँ पर एग्जैक्टली? ये अपना वडाला ईस्ट में आसिफ भाई, कब्रिस्तान के वडाला ईस्ट, जो मुस्लिम कब्रिस्तान है अपना, इन का 5 मिनट का वॉक है, और बरकत अली शाह दरगाह भी है, दरगाह अपने पहाड़ पे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, हम लोग ये वीडियो डाल के देखते हैं इंशाल्लाह, एंड लोग इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, तो लगभग इनकी मांग है वैसे, आप अपना रेट लगाइए आके, उसके अलावा सिंगल डबल जो भी चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, इंशाल्लाह उसका प्राइस बता देंगे, ऑल इंडिया डिलीवरी भी हो जाएगी। चार रात पे ही अभी चार कर रहा है। ठीक है, इसको भी छोड़ते कि बंद ही रखते हैं? नहीं छोड़ते, एक सर गर्म बकरा है एकदम। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, अस्सलाम वालेकुम।